सरकार से बर्खास्त किए जाने के बाद बीजेपी मंत्रियों की आवाज से मंत्री वाला नेम प्लेट हटाया जा रहा है। मंगलवार को सीएम नीतीश के इस्तीफे के बाद देर रात बीजेपी के मंत्रियों को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद सुबह से ही उनके आवासों से पुराना नेम प्लेट बदला जा रहा है। तो देखिये, नेम प्लेट अब हटाया जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है अब सरकार में बीजेपी है नहीं, तो ऐसे में वो प्लेट अब यहां पर नहीं रह सकते। तो देखिये किस तरीके से अब बदला गया है, और फिलहाल जो तात्कालिक तौर पर, जो टेम्पोररी तौर पर जो अब उनका पोजीशन है, यानी कि पूर्व मंत्री वाला जो नेम प्लेट है वो चस्पा किया गया टेम्पोररी फिलहाल, और ये जो प्लेट है वो हटा भी लिए जाएंगे। बिहार में सरकार के बर्खास्त किए जाने के बाद अब बीजेपी कोटे के मंत्रियों के आवास से मंत्री वाला नेम प्लेट हटाया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास के बाहर है, और देखिए आज सुबह से ही जितने भी बीजेपी कोटे के मंत्री थे उन सभी के आवास के बाहर जो नेम प्लेट लगे थे उन सभी नेम प्लेट को हटा दिया गया। ये तारकिशोर प्रसाद पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार, आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार में तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके पास वित्त विभाग भी था, तो अब इस नेम प्लेट को हटा दिया गया है। और कल ही देर रात नीतीश कुमार की तरफ से जो एक लेटर जारी किया गया था उसमें यह बताया गया था कि सभी मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है, और आज सुबह से ही जितने भी बीजेपी कोटे के मंत्री थे उनके आवास के बाहर से ऐसा नेम प्लेट जो है हटा दिया गया है। और आज 2 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे, और फिर डिप्टी सीएम के पद की शपथ तेजस्वी यादव लेंगे, और कुछ ही दिन बाद जब विभाग का डिसीजन हो जाएगा और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब ये पता चलेगा कि कौन से विभाग जो है किन विधायकों को मिला है या फिर किन नेता को मिलने जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की जो खबर है वो आपको बता रहे हैं कि अब बीजेपी कोटे के मंत्री के आवास के बाहर से जो नेम प्लेट लगे थे उन सभी नेम प्लेट को बदल दिया गया है। अस्मित सिन्हा, न्यूज 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।